for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. पिछले हफ्ते रेस 3 का अल्लाह दुहाई है गाना लॉन्च हुआ था, जिसे देखकर हम काफी हैरान हो गए। इस गाने में सलमान खान ने अपने सुपर स्वैगी अवतार से और लीडिंग लेडीज जैकलीन फर्नांडिस और डेजी शाह ने अपने ऊंफ से हमें काफी इम्प्रेस कर दिया। और अब खबर आई है कि इस फिल्म में एक और पार्टी नंबर है, जिसका टाइटल है पार्टी चले ऑन। इस गाने को मिका सिंह ने गाया है। वेल, अब इस गाने के लॉन्च में बस एक ही दिन रह गया है, तो मेकर्स ने हमें टीज करते हुए इस गाने का फर्स्ट लुक आउट किया है, जहां हम देख सकते हैं कि किस तरह सलमान खान और उनकी दोनों लीडिंग लेडीज अपने क्लासी स्टाइल में पोज कर रहे हैं। और इस पिक को देखकर हम भी खुशी से झूम उठे हैं। तो अब आपका इस पिक के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। हमने आपको बताया था कि सलमान खान अपनी रेस 3 की टीम के साथ डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स पर गए थे, जहां उन्होंने खूब धमाल किया था। नन्हे कंटेस्टेंट्स ने इस रेसी टीम को अपनी परफॉर्मेंसेस से काफी इम्प्रेस किया और इतने सारे स्टार्स के बीच परफॉर्म करके उन्होंने भी काफी इंजॉय किया। इसी शो के मंच पर सलमान खान और अनिल कपूर ने अपने झक्कास डांस मूव से स्टेज पर आग लगा दी। शूटिंग खत्म होने के बाद कुछ नन्हे फैंस ने सलमान को घेर लिया और उनके साथ क्लिक करने की रिक्वेस्ट की। अब सलमान तो सलमान है, उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और ऐसे में हमारे सामने आई कुछ अमेजिंग पिक्स जो अब वायरल हो चुकी हैं। इन पिक्स को देखकर हम तो डांस इंडिया डांस के स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए काफी डेस्परेट हो रहे हैं। और आप? पिछले साल ईद पर सलमान खान और शाहरुख खान फिल्म ट्यूबलाइट में एक साथ नजर आए थे। जी हाँ, आप सबको याद होगा कि शाहरुख ने सलमान की फिल्म में एक अहम रोल निभाया था और अब इस ईद भी ये दोनों खान एक साथ नजर आने वाले हैं। मगर रुकिए रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख सलमान की आने वाली फिल्म रेस 3 में कैमियो करने वाले हैं, बल्कि इस बार हम शाहरुख की फिल्म जीरो के दूसरे टीजर को सलमान की फिल्म रेस 3 के साथ अटैच होता देख सकेंगे और ये देखकर हम सब यकीनन काफी नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे। तो अब सलमान की फिल्म रेस 3 के साथ साथ हम जीरो के टीजर को भी एंजॉय कर पाएंगे और ये देखकर तो यकीनन ये ईद हम सब के लिए काफी हैपनिंग होगी, है ना? सब जानते हैं कि सलमान खान बड़े दिल वाले हैं और वो कभी किसी की भी मदद करने से नहीं कतराते। हाल ही में फीमेल कंटेस्टेंट उनके गेम शो 10 का दम पर आई थी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी ये कंटेस्टेंट ज्यादा रकम जीत नहीं पाई, जिसके चलते वो काफी निराश हो गई। इस कंटेस्टेंट को जीती हुई रकम से अपनी बेटी को स्कूल भेजना था, मगर ये क्या, जब सलमान खान को इस बात का पता चला तो वो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने तुरंत इस बच्ची की जिम्मेदारी ले ली। सलमान के इस जेस्चर ने सभी को हैरान कर दिया और फीमेल कंटेस्टेंट तो सलमान का शुक्रिया करते नहीं थक रही थी। अब इसी को कहते हैं असली सुल्तान, है ना? सलमान खान और यूलिया वंतूर का रिलेशनशिप हमेशा से ही स्कैनर में रहा है और हालांकि इन दोनों को देखकर कई बार हमें इनका प्यार साफ नजर आता था, वहीं कई बार हमें ऐसा भी लगा कि इन दोनों के बीच सब खत्म हो गया है। हाल ही में यूलिया सलमान के साथ नजर नहीं आ रही थी, जिसके चलते हमें लगने लगा कि ये दोनों अब अलग हो चुके हैं। मगर फिर सलमान खान ने यूलिया को रेस 3 के गाने अल्लाह दुहाई है के लॉन्च पर इनवाइट किया, जहां यूलिया ने अपने सेल्फिश गाने पर एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी दिया। अब इसे देखकर हमें ऐसा लगने लगा कि इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया होगा,
तब सलमान खान ने कुछ अजीब कर दिया। जहां वो स्टेज पर सभी के साथ डांस कर रहे थे, वहीं उन्होंने यूलिया को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिसके चलते हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर उन्होंने यूलिया को इनवाइट ही क्यों किया, अगर उसे मीडिया के आगे अवॉइड करना था। अब इनके रिलेशनशिप को लेकर हम तो काफी कंफ्यूज हैं। और आप? सलमान खान सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी राज करते हैं और सभी उन्हें एक बार फिर उनके सक्सेसफुल गेम शो 10 का दम में देखने के लिए ईगर हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एक ऐसी क्लिप जहाँ सलमान खान अपनी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा का फेमस गाना तेरे प्यार में गाते नजर आ रहे हैं और ये सीन वाकई में काफी एंटरटेनिंग था। और अब इसे देख कर ये साफ पता चल रहा है कि सलमान इस शो को बड़े ही अच्छे तरीके से होस्ट करेंगे, जिसके चलते उन्हें सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे का भी सुल्तान माना जाएगा। खैर, सलमान के शो 10 का दम को तो हम सब एंजॉय करने वाले हैं, मगर साथ ही उनकी फिल्म रेस 3 भी अब जल्द ही रिलीज होने वाली है और फिर आएगा उनका कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 12। इस शो का भी हम सबको बेसब्री से इंतजार है। पर फिलहाल 10 का दम शो में सलमान खान की सिंगिंग के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट की दुनिया की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ मूवीज अड्डा। सलमान खान की अपकमिंग थ्रिलर रेस 3 के रिलीज का काउंटडाउन तो सिंगल डिजिट्स में आ चुका है, मगर इस फिल्म को लेकर फैंस के मन में जो एंटिसिपेशन और हाइप है वो यकीनन डबल और ट्रिपल डिजिट्स की गिनती में आ गई है। कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि इस फिल्म पर मंडराते पायरेसी और स्पॉयलर्स के खतरे से बचने के लिए इस फिल्म में एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग क्लाइमैक्सेस शूट किए गए। अब ये खबर सुनकर तो हम काफी एक्साइटेड थे, पर अब हमें पता चला है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। एक्साइटिंग एस्पेक्ट पर जब हमने सलमान खान से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये एक सिंपल फिल्म है जिसका नैरेटिव वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसा किसी भी थ्रिलर का बढ़ता है। वेल, सच तो हमने जान ही लिया है, मगर फिर भी हम इस रेसी जर्नी को विटनेस करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और आप? सलमान खान की अपकमिंग थ्रिलर रेस 3 के रिलीज में अब 15 दिन भी नहीं बचे हैं और मेकर्स अब अपनी फिल्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। माधुरी दीक्षित के डांस रियलिटी शो डांस दीवाने में धमाल करने के बाद सलमान खान और रेस 3 की टीम एक और डांस बेस्ड शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स पर जा पहुँचे। जहां सलमान खान, अनिल कपूर और कोरियोग्राफर टर्न फिल्म मेकर रेमो डिसूजा ने हम सबको काफी एंटरटेन किया। नन्हे कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते करते इन्होंने बड़े अमेजिंग तरीके से अपनी फिल्म को भी प्रमोट किया और ये सब देखते हुए हम 15 जून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब ये फिल्म रिलीज होगी। पर फिलहाल टीम रेस 3 को दी आइडियल लिटिल मास्टर्स पर अपनी फिल्म को प्रमोट करता देखकर आप कितने एक्साइटेड हैं ये हमें बताना ना भूलें। और एंटरटेनमेंट की दुनिया के और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।